देखिए, त्योहार मनाने का ना हर किसी का अपना तरीका होता है, और सही मायने में इसमें कुछ सही और गलत नहीं होता है। अब आप सुहागन सीरियल ही देख लीजिए, यहाँ पर भी महाशिवरात्रि की जो है सेलिब्रेशंस हो रही है, और नन्हे नन्हे से बच्चे किस तरह पूरी झांकी तैयार करे हुए, कोई महादेव तो कोई माँ पार्वती बनकर सबका मन मोह रहे हैं। ये दृश्य आप भी देखिए। शिवरात्रि के खास मौके पर अब बिंदिया और घर वाले मिलकर कर रहे हैं शिव की धूमधाम से शादी, और यहाँ पर छोटे शिव भी है और पार्वती भी। घर का माहौल कुछ ठीक ही हुआ था कि लीजिए आ गई है एक और मुसीबत। बड़ी माँ की तबीयत खराब हो गई, इसलिए अलग पलट चल करके हमने उनसे संकल्प लिया और उनके बदले हमने व्रत रख लिया, तो इसमें गलत? बड़ी माँ, दो दिन हुए नहीं कि तूने रिश्ते जोड़ लिए। ईस्ट और वेस्ट बिंदिया जी इज द बिंदिया के साथ नहीं हूँ, पायल के साथ हूँ, क्योंकि पायल के साथ ही रहना है। तो क्योंकि प्यार पायल से है, पायल मुझसे प्यार करती है, मैं पायल से प्यार करता हूँ। बीच में कोई लड़का टपक गया है जो कि बिंदिया के लिए सही नहीं है, मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर वो नहीं बचेगी तो शिव जी बचाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बचा लूँ। अब समय छोटे शिव को अपने गोद में लेकर बारातियों का स्वागत करने की बात करता है। बिंदिया बात को मानकर पूजा करने के लिए आती है, लेकिन ये क्या बात हुई कृष, आपको ये सब रास नहीं आया ना? तभी तो आप झट से आए और समय को सुनाने लग गए। अब ये तो अच्छा हुआ कि बिंदिया की बात मानकर समय शांत हो गया, और अब फाइनली छोटे शिव जो है वो कृष की गोद में है। और फिर जैसे ही बिंदिया शिव का स्वागत करने जाती है, वैसे ही शिव का मन कुछ और करने लगता है, क्योंकि उनका मन ये है कि वो सभी बच्चों के साथ जाकर खेलें। खैर, अब बिंदिया सभी बारातियों का स्वागत करती है। आज उसने पायल को भी टीका लगाया है, और जब कृष वापस आया तो देखिए फिर कैसे उसे बुरा लग गया। अगर सैम उसको फंसा रहा है किसी उसमें, तो वो देखा नहीं जाएगा मुझसे कि अगर कोई भी अच्छा इंसान किसी बुरे इंसान के संगत में आकर के अगर उसके साथ कल को कुछ बुरा हो सकता है, तो बचाने की कोशिश तो कृष करेगा ही। अब कृष क्या करे, उसे कोई भी चीज समय से जुड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और पूजा में बार बार यूं समय का दखल देना उसे रास नहीं आ रहा है, क्योंकि कृष को बस ये लग रहा है कि समय बार बार बिंदिया के करीब आने की कोशिश करता है। अब कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब एक बार फिर पायल लगाएगी बिंदिया पर इल्जाम। मुझे तो अच्छा नहीं लगता ना, वो जब भी कृष के पास जाती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ऑब्वियसली पायल को तो ये हो रहा है कि आखिर करी क्यों रही है। और पायल को ना थोड़ा सा ना डाउट भी है कि वो ना किसी मकसद से आई है, तो उसके बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा है कि आखिर वो क्या रहा है। हाय ये पागल, ये तो बाज ही नहीं आ रही है, और ये बार बार पड़ जाती है बिंदिया के पीछे। खैर, इस बार बिंदिया अकेली नहीं है, उसे कोई तो इन इल्जामों से बचाएगा, लेकिन कौन, यही तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।